गेस्ट इन द न्यूज रूम का आज का हमारा मेहमान के मैनन, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए। लव ऑल, उसके बारे में बताइए। सबसे अहम बात इस फिल्म के अंदर यह है कि बैडमिंटन जो है बहुत ऑथेंटिक तरीके से पेश किया गया, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। शायद ये पहली बैडमिंटन फिल्म होगी इस दुनिया का जो ऑथेंटिक बैडमिंटन, जहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं। पुलेला गोपीचंद को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे प्रेजेंट करने का फैसला किया। उनको ट्रेलर देख के बड़ा मजा आया, उन्होंने कहा ये फिल्म दिखाओ मुझे, तो देखने के बाद तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया। तो एक बैडमिंटन फिल्म को एक द्रोणाचार्य ऑफ बैडमिंटन का ठप्पा मिलना ये बहुत बड़ी बात है। एक्टिंग का कैसे ख्याल आया मन में? जब आप थोड़ा मंथन करते हैं अपने आप, समझ आ जाता है कि आपको दिया गया कुछ और है, आपकी इच्छाएं कुछ और हैं। तो मुझे समझ में आया कि वो अभिनय ये जो है, ये जो प्रतिभा दी गई है, वही मेरा स्वधर्म है। ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को सिनेमा में काम करना हो, थिएटर को आप कहाँ प्लेस करते हैं? दोनों माध्यम अलग है। हाय, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे में स्टेज में काम चले जाएगा। द मोमेंट यू कम ऑन टू दिस थिंग यू टू फील इट हियर एंड दैट्स इट। मैं सुनो सौरभ, मैं ये जो है ना, ये जो अभी मैंने किया, ये पॉसिबल है कैमरा पे? ये अगर मैं कहूँ करूँ स्टेज पे तो बोलेंगे क्या कर क्या रहा है वो। राष्ट्रपति भवन में कंडक्ट बिगड़ गया था। हाँ। क्या हुआ था? सडनली मुझे एक साउंड सुनाई दिया, के कम यार। तो मैंने कहा यार मुझे कौन बुला रहा है? तो मैं फिर पूछा, नीना थी वहाँ पर, मैंने कहा कौन बुला रहा है मुझे? के मैंने कहा ये कौन? देखो बाहर, तो मैं बाहर देखा तो एक काला सुंदर सा लैब्राडोर कुत्ता, उसका नाम के था, सिक्योरिटी डॉग था उसका। तो वो उसको बता रहा था कि के कम यार सिट बोल कर। आपकी पहली बार अनुराग कश्यप से मुलाकात कब हुई? उस समय वो एस्पायरिंग एक्टर थे मेरे ख्याल से। ऐसे एक्टर हैवी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दो रुकता नहीं ना, तो उस प्रकार का कुछ था उस स्टेज पे वो। आप चाहते हैं कि वो फुर्तीला हो, कुछ करे, वो थप उस टाइप का। सर ये पांच के बारे में जरा बताइए तफसील से। द मोस्ट सीन एंड द मोस्ट अनरिलीज्ड फिल्म, क्योंकि उसने बहुत सबक सिखाया मुझे। क्योंकि हर बार हर हफ्ते में टूटू शर्मा एक होर्डिंग डालते थे, वो अभी रिलीज हो रही है, तो मुझे पता नहीं था कि कभी रिलीज ही करने नहीं वाला है, मतलब आई डिडंट नो दैट। इतना में बहुत सारे स्क्रीनिंग्स हुए हैं वहाँ पे, विनोद चोपड़ा भी आए थे, के यू वर एज गुड इफ नॉट बेटर देन डी निरो इन टैक्सी ड्राइवर, इतना बोल के निकल गए। तो मुझे लगा अब तो मेरी तो इंडस्ट्री में कमाल हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं हुआ। मकबूल का वो जो रोल है आप करने वाले थे, मनोज भाई वो रोल करना चाहते थे पर विशाल कहना था कि तुम सत्या में कर चुके हो, वो सब ऐसी चीजें हमारे बीच में होता है समझ। ऑल थ्री ऑफ अस, मकबूल का था, इनफैक्ट प्रिपेयर भी किया था मैंने, कोई कारणवश नहीं हो पाया, मतलब जो भी है। विशाल ने बाद में मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि इरफान, तो मैं एक्चुअली स्पीकिंग दो आई नो मेरे हाथ से लोन चला गया था, मैंने कहा थैंक गॉड आपने इरफान बोला और किसी, यू नो व्हाट आई मीन।